नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजस्थान के कोटा से ग्वालियर के बच्चों को लाने के लिए बसें पहुंचना प्रारंभ हो गई हैं। शहर की सीमा में पहुंचने के उपरांत बसें सर्वप्रथम आईटीएम कॉलेज और कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित वीआईएसएम कॉलेज परिसर ले जाई जा रही हैं, जहां जिला प्रशासन और चिकित्सकों द्वारा सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके उपरांत बच्चों को उनके घर रवाना किया जा रहा है। कोटा से ग्वालियर पहुंचे बच्चों की संख्या करीबन 185 बताई गई है, जो 8 बसों के माध्यम से ग्वालियर पहुंच रही हैं। वहीं ग्वालियर पहुंचे बच्चों ने राहत की सांस ली। बच्चों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनको ग्वालियर तक पहुंचाने की व्यवस्थाओं को सराहा और उन्हें धन्यवाद भी दिया। बच्चों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद हॉस्टल मैनेजमेंट ने उन्हें एहतियातन बाहर नहीं निकलने दिया, जो बेहद जरूरी था। छात्राओं का मानना है कि लॉकडाउन से उनकी पढ़ाई का नुकसान जरूर हुआ है, पर आगे वो रिकवर कर लेंगे। जो डबरा भितरवार के बच्चे थे उनको हमने अपने यहाँ पे रोका था, शहर के बच्चों को कल भेज दिया था। उन बच्चों को भी हमने निर्देश दिए थे सुबह 10:30 बजे तक उनको रवानगी करने के लिए। तो उनका हम अपने आईसी के माध्यम से, इंसिडेंट कमांडर के माध्यम से रेगुलर फॉलोअप करेंगे। नहीं, अभी तक कोई ऐसा बीमार या उसके संकेत नहीं मिले। हमारे 185 बच्चों के आसपास थे, एग्जैक्ट नंबर अभी मैं लेके ही उसकी जानकारी देंगे। थैंक यू। सरकार को धन्यवाद देंगे कि हमारे आपके बच्चे जो हैं, जो फंसे हुए थे कोटा में, उनके लिए बसों का इंतजाम किया। पूरे एमपी के लिए ग्वालियर से बस भेजी गई थी और पूरे एमपी में वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होकर के गया है। ग्वालियर के लगभग 186 बच्चे हैं। मैं रात को 5 बजे तक वहीं था, आईटीएम वीआईएसएम में, वहाँ मैं बच्चों का एग्जामिन करवाया। सबके हमने पूरे नंबर लिए, एड्रेस लिए। उनके ऐप पर हमने सार्थक एक आता है ऐप, डाउनलोड कराइए, जिससे कि उनकी स्थिति और वो कोरोना के बारे में जानकारी पल पल की देते रहेंगे और हमको फीडबैक मिलता रहेगा। इस तरह इन बच्चों का सबका स्क्रीनिंग करने के बाद सबसे बेस्ट क्वारंटीन कोई होता है, होम क्वारंटीन माना जाता है, क्योंकि इतने दिन से वो बाहर थे, अब घर में उन सबके फैमिली से बात हो गई है। उन सबके लिए हमने अलग से कमरे की व्यवस्था कही है, घर में करें और उसका पालन करें, जिससे कि वो अपने आप को और अपने परिवार को और अपने मोहल्ले और देश को सेफ रख सकें। तो इन बच्चों को घर में क्वारंटीन मिला। हाँ, एक पॉजिटिव है। देखिए, अभी तक कुल ग्वालियर में 8 पॉजिटिव आए थे, 8 में से 6 बिल्कुल ठीक होकर घर चले गए हैं। उनके